आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार गोपीगंज पहुंचे, जहां पूर्व पालिका परिषद अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्त के प्रतिष्ठान पर पार्टी प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता के प्रचार प्रसार चुनावी रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करें। गोपीगंज में नगर निकाय चुनाव अपने शबाब की तरफ बढ़ रहा है। सभी पार्टियां निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा कर रही हैं। रविवार को देर शाम कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रत्याशी के कंपनी पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने माल्यार्पण किया और उनका भव्य स्वागत किया। गोपीगंज से समीर वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है। काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे पास नेतृत्व लोकप्रिय है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों के, जिनके पास शौचालय नहीं था, रहने का आवास नहीं था, अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड नहीं था, ऐसे सभी लोगों को आज मैं बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड उन गरीबों को देने का काम किया हूँ। जो अपने स्वयं वो आत्मनिर्भर बनेंगे, वो गरीब लखपति बनेंगे। ऐसे आज कानून का राज है। लोग स्वतंत्र रह सकते हैं, सुखी से रह सकते हैं। नाली सीवर की व्यवस्था जो कमियां है उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन आम हमारे ब्रजेश जी सरल हैं, सज्जन हैं, सुशील हैं, गरीबों की सेवा करेंगे। सभी से आह्वान करता हूं कि वह सुखी से रहें। आज श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका वर्ग को दौड़ती है। एक समय रहता था कि सेना के छाए में तिरंगा झंडा फहराया नहीं पड़ता। आपके पास ऐसा धरोहर है, अपने बच्चे कहीं भी फंस जाते हैं, दंगे में, गुंडागर्दी में, या जहाँ युद्ध चलता है वो बच्चे फंस जाते हैं कहीं पर, उन बच्चों को सुरक्षित निकालने वाला ताकतवर हमारे पास पूरा कर रही है। यानी यूक्रेन रूस का भी युद्ध बंद करवा के अपने बच्चों को लेकर दी। बच्चे आ जाते हैं, एक बार लोगों को समझाए। कभी कभी जातिवाद में भटक जाते हैं, कभी परिवारवाद में भटक जाते हैं। लोगों को समझाए कि कमर पर मोहर लगाना और नीचे ऊपर सभी को। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।